कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह, और दोस्तों टेक्नेक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल आने वाला है, 7 तारीख से चालू होगा, 12 तारीख तक चलेगा, अच्छी चीज है। एंड मैंने कहा था फ्लिपकार्ट के सेल डेली जो रिवील हो रहे हैं उसमें जो सबसे तगड़ा वाला डील रहेगा उसके ऊपर मैं डेली वीडियो बनाने वाला हूं। कल भी बनाया था, परसों भी बनाया था, और आज भी लेकर आया, पूरा वीडियो जरूर देखना। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज शाम को एक वीडियो आने वाला है जिसे देखने के बाद आप कहोगे विवेक भाई इसी वीडियो की तो जरूरत थी, लिटरली एक स्पेशल वीडियो जो सेल में कुछ भी खरीदने से पहले आपको जरूर देखना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जरूर वेट करना शाम वाले वीडियो का। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा स्मार्टफोन जो 12,000 का था, सेल में आप सिर्फ 8,000-8,500 में खरीद सकते हो, कैसे, कौन सा स्मार्टफोन है, उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले बता दूं कि सेल में आज रिव्यू हुआ माइक्रोमैक्स का फोन, एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो है जो 12,000 पे कुछ लॉन्च हुआ था, अभी फिलहाल प्राइस उसकी 11,000 रुपए है। एंड कहा गया सेल में सिर्फ 9,500 में आएगा, 9,500 में। और अगर आपके पास ICICI का और एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आपको मालूम है 10% डिस्काउंट रहेगा, तो 950 रुपए और ऑफ हो जाएंगे, एंड 950 रुपए ऑफ करो तो 8,500 के आसपास की प्राइस आ जाती है। अब ये 12,000 का फोन सिर्फ 8,500 में डील इतनी तगड़ी है कि मैं कहूंगा कि 10,000 के नीचे ऐसे स्पेसिफिकेशन आपको कोई देता ही नहीं है। क्या चीजें मिलती है इसमें 8,500 रुपए में अगर आप ले सकते हो तो? इसमें सबसे पहले मिलता है आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले, IPS LCD का, वो भी पंच होल के साथ, अच्छी चीज है। ओलियोफोबिक कोटिंग है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की तरह होता है समझ लो, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं आएगा। रियर साइड पे जाओगे तो क्वाड कैमरा का सेटअप है, रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कुछ पैटर्न्स हैं जो देखने में यूनिक और अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आएंगे। तो ओवरऑल डिजाइन और डिस्प्ले की बात करोगे 8,500 में फुल HD प्लस का डिस्प्ले कोई नहीं देता, IPS LCD का यहाँ पे आपको मिल रहा है जो कि बहुत तगड़ी चीज है। इसके बाद चिपसेट में जाओगे तो MediaTek का G85 का चिपसेट है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 12 MP बेस्ड है, तो परफॉर्मेंस जो स्कोर है 2,05,000 के आसपास जाता है, एंड मान लीजिए 52 से आता है तो गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा, तो परफॉर्मेंस का सेगमेंट तगड़ा है। इसके साथ साथ जो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है ना वो इसका प्लस पॉइंट है, यानी इसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू के स्टोरेज कवर नहीं करेंगे, ब्लोटवेयर जो रहते हैं वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, एड्स फालतू वाले नहीं आएंगे, एकदम क्लीन स्टॉक UI, क्लीन एक्सपीरियंस, कोई भी इशू नहीं आएगा, जो कि और अच्छी चीज है, यानी परफॉर्मेंस का सेगमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट है 8,500 के हिसाब से। इसके बाद जाओगे कैमरा की बात करोगे तो 48 MP का क्वाड कैमरा है, 48 MP प्राइमरी सेंसर है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2-2 MP के आपको मैक्रो और डेप्थ मिलते हैं, रियर साइड से आप 1080 रिजोल्यूशन निकाल सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात बता दूं, 10,000 के नीचे सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन इसी का है। मैं कहूंगा जब 11,000 पे था ना, 12,000 पे, तो भी सबसे बेस्ट इसी का ही होता था, मैं कहूंगा 10,000 में सबसे बेस्ट कैमरा इसी का ही है, अंडर 8,500 में। फ्रंट में आपको 16 MP का सेंसर मिलता है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो, रियर साइड पे फ्लैश है, फ्रंट में नहीं दिया गया, तो कैमरा अप टू द मार्क है, वहां पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। 5,000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, 18W का फास्ट चार्जर है, Type-C का पोर्ट है। आप मुझे बताओ 8,500 रुपए में 18W का चार्जर देता कौन है, कोई नहीं देता, मतलब 8,500 में ये भी एक बड़ी चीज है, देखना चाहते हो इसको देख सकते हो। देन इसके बाद सेंसर्स की बात करोगे तो रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है, 3.5 mm जैक है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, तो सारे मिल जाएंगे, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। तो जितने भी सेंसर्स है सेंसर्स में कोई इशू नहीं है, स्लॉट इसमें डेडिकेटेड आता है, यानी 2 सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे, वहां पे भी कोई इशू नहीं आएगा। एंड वेरिएंट तो 2 है, 4GB 64GB और 6GB 128GB, बाद में 4GB 64GB वाले कर रहा हूं, वैसे इसकी प्राइस 12,000 रुपए थी, अब 11,000 की है, सेल में सिर्फ 9,500 में आएगा, कार्ड लगाओगे तो 950 का और ऑफ हो जाएगा, तो ये कुछ 8,500 के आसपास आ जाएगा। एंड 8,500 के हिसाब से बहुत तगड़ी डील है, मेरे हिसाब से तगड़ी डील है, आपके हिसाब से है या नहीं वो आपको बताना है। और सेल चालू होने वाला 7 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा, वैसे ही जितने डील्स आएंगे उनके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा, कैसा लगा ये डील आपको जरूर बता देना। एंड जैसे मैंने कहा शाम वाले वीडियो का जरूर वेट करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड टॉपिक मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ रीजंस हैं, एंड सारी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।